जय श्री राम। भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसी बीच भगवान श्री राम की एक सुंदर मुखर तस्वीर भी सामने आई है। बता दें कि ये प्रतिमा कृष्ण शैली में बनाई गई है, श्यामल रंग की है और आभा मंडल में दशावतार दर्शाए गए हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में इसी प्रतिमा की उन्हीं खासियत और विशेषताओं के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। जय श्री राम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करना है। नमस्कार, स्वागत है आपका मुझे पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का क्षण आ गया है। पहले यहां विधियों और अनुष्ठानों का क्रम शुरू हुआ था। इस पूर्ण क्रम के साथ ही भगवान श्री राम की मूर्ति को गर्भगृह में लाया गया और जैसे ही तस्वीर वायरल हुई वैसे ही सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। माथे पर तिलक लगाए बेहद सौम्य मुद्रा में दिख रहे भगवान श्री राम की ये तस्वीर देख सभी लोग मंद मंद मुस्काने लगे और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। लेकिन एक सवाल कि आखिर ये मूर्ति किसने बनाई और इसकी विशेषता क्या है, तो आज हम आपको इसी संदर्भ में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आपको बता दें कि भगवान राम की मूर्ति की विशेषताएं देखें तो इसमें कई तरह की खूबियां हैं। मूर्ति शाम शिला से बनाई गई है जिसकी आयु हजारों साल होती है। मूर्ति को जल से कोई भी नुकसान नहीं होता। चंदन, रोली आदि लगाने से भी मूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मूर्ति का वजन करीब 200 केजी है, यानी 200 किलोग्राम है। इसकी कुल ऊंचाई 4.24 फीट जबकि चौड़ाई 3 फीट है। कपल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति हाथ में तीर और धनुष लिए हुए हैं। बता दें कि ये प्रतिमा कृष्ण शैली में बनाई गई है। मूर्ति के ऊपर स्वास्तिक, ओम चक्र, गदा, सूर्य भगवान विराजमान है क्योंकि प्रभु श्री राम सूर्य वंशी थे। रामलला के चारों ओर आभा मंडल है। श्री राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी है, मस्तक सुंदर, आंखें बड़ी और ललाट भव्य है। भगवान राम का दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। मुद्रा में भगवान विष्णु के 10 अवतार भी दिखाई दे रहे हैं। मूर्ति के नीचे एक ओर भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी तो दूसरी ओर गरुण जी को उकेरा गया है। मूर्ति में 5 साल के बच्चे की बाल सुलभ कोमलता झलक दिखाई दे रही है। मूर्ति को मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अधिकारियों का ये कहना है कि जिस मूर्ति का चयन हुआ उसमें बालत्व, देवत्व और एक राजकुमार तीनों की ही छवि दिखाई दे रही है। बता दें कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में 3 मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा जिसमें से एक मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। इनके बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि गर्भगृह में किस रूप में रामलला विराजेंगे। तो आपको बता दें कि मूर्तिकारों ने तीनों मूर्तियों को इतना सुंदर बनाया कि चयन करना कठिन हो रहा था कि कौन सी सुंदर है और कौन सी उतनी सुंदर नहीं। अंततः बाल रूप वाली मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगृह में विराजने का फैसला लिया गया। तो ये है मेरे राम की इस प्रतिमा की खासियत। आपको ये समस्त जानकारी कैसी लगी, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।